चलो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2C, ओके। एक्सरसाइज 2C में क्या है, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, प्राइम फैक्टर में लिखना, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स आपके सामने, ये नंबर्स के किस में लिख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में चल रहे हैं, ठीक है। पहले 5 आप करोगे, ठीक है, लास्ट के 6 से 10 तक मैं करके दिखाता हूँ कैसे करने आपको, ठीक है। पहले 5 आपको करने हैं, ध्यान रखना, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 136, ठीक है, 136। इसको कैसे करेंगे, देखो 136 लिखा, एक वर्टिकल लाइन दिखाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मैंने ये डिवाइड करना है, किससे करेंगे, सबसे पहले देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन नंबरों से ही डिवाइड करके देखना है और नंबर्स से डिवाइड नहीं करना है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 इनसे डिवाइड करके नहीं देखना हमें, ठीक है। जो प्राइम नंबर है उन्हीं से क्या करना है, हमें डिवाइड करके देखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले 2, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ क्यों, इसका लास्ट का डिजिट क्या है, 6, तो ये क्या होगा 2 6, कितने पे चलाइए, 2 6 12 13 में से 12 गया, कितना बचा 1, ठीक है। क्या होता है, मैंने 6, 1 और 6 कितना हो गया 16, 16 और कितने में चलाइए 8, 2 8 16। आई बात में कैसे किया मैंने, 136 को डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ कर देता हूँ, 136 डिवाइड कर दिया किससे, 2 से 2 6 12, कितना बचा 1, उतारा कितना 6, 2 8 16, कितना बचा 0, ठीक है। इतना क्वेश्चन टाइम मेरे पास 68, यहाँ पर लिख दिया, फिर भी 2 से बाद में अब 68 भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो लिखो इसको 2 3 6 2 4 8, कर लोगे ना, तो कैसे करना है, 2 3 6 2 4 8 ऐसे। आगे फिर दोबारा से 2 से डिवाइड, 2 1 2, कितना बचा 1, क्या उतारा मैंने 4, कितना बन गया 14 बन गया ना, 14 किस कितने में चलता है 7 पे, तो 2 7 14। और देखो 17 क्या प्राइम नंबर आ गया मेरे पास, 17 है तो 17 पे ही चलेगा ये, ठीक है, यदि कोई प्राइम नंबर आए तो उसी पे ही चलेगा वो, और किसी से नहीं चलेगा, तो ये यानी कि 136 को लिख सकता हूँ मैं, कितना 2 × 2 × 2 × 17, ठीक है, 17 लिख दिया मैंने। अब इसको करो 2 2 2, कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स है ना, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, 1 2 3, उसको लिखूंगा 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 × 17, ऐसे ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये करना है आपको और ये करना है, ठीक है, ये नहीं करना, ये डिवाइड करके दिखाएगा, ठीक है, कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं, टू फिफ्टी टू करो, 252 2 पे चलेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 2 है, इसलिए 2 1 2, ये 5 आ गया, कितने बचा लगा 2 2 2 4, कितना बचा 1 रिमेंट बचा, आगे क्या है 2, नीचे उतार लिया, कितना हुआ 12, कितना हुआ 12 कितने मिनट जाता है 6 पे, 2 6 12, यदि आपको ये डिवाइड करना नहीं है तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किया था 252 डिवाइड करो 2 से 2 1 2, आगे क्या बता रहा 5 2 2 4, माइनस कर दो कितना बचा 1 2 2 6 12, ऐसे
ऐसे रफ कॉपी में करके लिख लेना, ठीक है। जो का सेट आएगा वो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। आगे देखो टू के चल रहा है, फिर दोबारा से टू सिक्स ट्वेल्व, टू थ्री सिक्स, टू थ्री सिक्स, ठीक है। आगे देखो 63 आ गया, 63 क्या दूसरे चलता नहीं चलता, आगे इसमें चलेगा थ्री पे, कितने थ्री पे, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, फिर दोबारा से थ्री पे चल रहा है सेवन, सेवन चल रहा है सेवन, सेवन नहीं क्योंकि क्या है प्राइम नंबर है ना। ये आगे मेरे पास फैक्टर क्या आया, टू टू लिख लो, कितना आया टू मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई, थ्री मल्टीप्लाई सेवन, ठीक है। अब देखो कितना हुआ, कितनी बार ये टू टाइम्स है तो टू की पावर टू, टू रेज टू पावर टू, ठीक है। अगर टू टाइम्स है थ्री भी मल्टीप्लाई थ्री रेज टू पावर टू, अगर क्या सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन, ठीक है। आई वास्तव में ऐसे करना है, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका एट पार्ट फोर ट्वेंटी, फोर ट्वेंटी करो, फोर ट्वेंटी कितने पे चला, टू पे, टू टू जा फोर, कितना बचा टू बताएंगे, टू बन जा टू जीरो जीरो, यानी कितने चला टू टेन पे, टू हंड्रेड टेन पे। आप रफ कॉपी में डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन है टू टू टेन, ये भी फिर टू से डिवाइड हो रहा है, टू वन जा टू वन वन, छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर है तो इसकी जगह क्या आता है जीरो, फिर क्या होता है मैंने फाइव, तो कितना वन जीरो फाइव, आगे फाइव और वन कितना हो गया थ्री, तो कितने में चलेगा थ्री पे, ठीक है। सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर पे चल रहा है, ठीक है। थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन क्या बचा वन, फिफ्टीन बन गया, फिफ्टीन कितने में चलेगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन, ठीक है। आगे फाइव और थ्री एट नहीं चल रहा, तो कितने में चलेगा फाइव पे, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, सेवन का इस पे चलेगा सेवन पे, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। इसको लिखूंगा मैं कैसे, टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन, ठीक है। या क्या कितनी बार है ये टू टाइम्स है, तो क्या लिखूंगा टू रेज टू पावर टू, ठीक है। मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन, ठीक है, ये आंसर आ गया। ये क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, आई बात में। चलो नेक्स्ट करते हैं, सिक्स थ्री सेवन, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या वर्टिकल लाइन, ठीक है, फिर डिवाइड, और देखो उसके बाद सम ऐड करो, टू बाई दो टू नहीं चलता, सेवन और थ्री टेन, टेन और सिक्स सिक्सटीन, तो ये थ्री से भी डिवाइड नहीं हो रहा, थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा, फोर से तो हम भी करना नहीं क्योंकि क्या लेने हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं, टू थ्री फाइव, फाइव पे नहीं चलेगा क्योंकि लास्ट में क्या है सेवन, क्या ये सेवन से चलेगा, देखते हैं सेवन से चलेगा या नहीं चलेगा, सिक्स थ्री सेवन, ठीक है। सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई माइनस कर दो क्या सेवन का ट्वाइस, सेवन का ट्वाइस कितना हो गया फोर्टीन, फोर्टीन माइनस कर दो इसमें से थर्टीन में से फोर गया नाइन, यहाँ बचा फाइव, फाइव में से बन गया फोर, फोर्टी नाइन, ये तो डिवाइड होता है सेवन से, इसका मतलब क्या है सेवन से डिवाइड होगा, सेवन से डिवाइड होगा, सेवन से डिवाइड करते हैं फिर सिक्स थर्टी सेवन, सेवन से सेवन नाइन का सिक्सटी थ्री क्या होता है सेवन, सेवन का सेवन
कितना हो जाएगा 91, कितने पे चला 7 पे, ठीक है। आगे बढ़ गया 91, ये भी कितने पे चल रहा है 7 पे, कितने पे 7 पे, कितने 7 बनता 7, क्या बचा 2, क्या आगे क्या बनता रहा, कितना बन गया 21 बन गया, 21 कितने पे चलता है 30, यानी कि क्या बन गया 13, ओके। आगे 13 क्या है प्राइम नंबर है तो 13 का 13, ठीक है, यस। आगे आपके पास कितना है, मेरे पास 7 × 7 × 13, यानी कि 7 raised to power 2, 7 raised to power 2 × 13, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, 7 raised to power 2 × 13, ठीक है, ऐसे करना है, कर लोगे अब तुम, ये रफ कॉपी में करना था आपको, ये डिवाइड है ना, तो रफ कॉपी में करके देखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, देखो 9, 4, 5, ठीक है, 9, 4, 5, एक क्या की थी मैंने वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फोर और नाइन 13, 13 और 5, 18, ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करो इसको 9, 4, 5 को, 3 से डिवाइड करो, 3 × 3 = 9, क्या बचा 4, 3 × 3 = 3, कितना बचा 1, क्या लगाया मैंने 15, 3 × 5 = 15, कितना बचा 3 × 5, 3 पे चलाइए, कितना बचा 3 × 5, ठीक है। अब देखो 5 और 3, 8 और 1, 9, ये भी 3 से चल रहा है, 3 पे चलाओ इसको, 3 × 3, आगे क्या 1, इसकी जगह क्या आएगा 0, 3 × 5 = 15, आगे 5 और 1, 6, 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको तो क्या है 3 से डिवाइड होगा, 3 × 9, बस गया 1, 5, 5, 3, 5, 15, है ना, 35 कितने में चला 5 पे 7, 7 कितने चलेगा 7 × 7, 7 × 7, ठीक है, ये बच गया मेरे पास कितना 3 × 3 × 3 × 5 × 7, ये बन गया मेरे पास, तो क्या लिखूंगा इसको 1, 2, 3 times, यानी कि 3 raised to power 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 × 7, 5 × 7, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है, ये क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन, आगे सुन ले, ठीक है, पहले 5 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 19 तो मैंने करवा दिया था, आपके पास यही बता 12 और 4, ठीक है, आपके प्राइम नंबर ही लेने हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये नंबर ही लेने हैं आपको, ठीक है, कर लोगे,